हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में सेब सीजन शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए सभी मंडियों में गत वर्ष की तरह ही सैटेलाइट मंडियों में चलाई जाएगी, ताकि अधिक भीड़ को रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में सेब सीजन शुरू होने वाला है, हालांकि कुछ एक इलाकों में शुरू भी हो चुका है, जिसको देखते हुए सभी मंडियों को रोज सैनिटाइज किया जाता है और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन भी अमल में लाई जाती है। APMC के अध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी पिछले वर्ष मंडियों में अधिक भीड़ न बढ़े, इसके लिए सैटेलाइट मंडी चलाई गई थी, जिसे इस वर्ष भी मंडियों में चलाया जाएगा। साथ ही नरेश चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी मंडियों में डिस्प्ले में रेट दिखाए जाएंगे, ताकि किसानों के साथ कोई भी गड़बड़ ना हो एवं प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करने की भी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेज़न ने भी जिला शिमला के बलग में एप्पल कलेक्शन स्टोर बनाया है, साथ ही सभी मंडियों में कुछ दिनों में ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ताकि किसानों और बागवानों को लाइसेंस बनाने और रेट लिस्ट जानने में कोई परेशानी ना हो। बनाया है जो उनको भी प्रमोट करने की कोशिश की है, जिस प्रकार क्योंकि शुरुआती दौर में फूलगोभी का रेट कम रहा था, हमने अमेज़न के साथ कॉन्टेक्ट किया है और उनको NOC इशू किया है, और दो दिन पहले ही बल्लेक नाम पर उन्होंने अपना जो अपना वो कलेक्शन सेंटर है वो खोल दिया है, और धीरे धीरे वो बाकी कलेक्शन सेंटर भी खोलने शुरू कर देंगे। इसके जो कंपनी है इनको हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका जो परचेजिंग है वो हमारी रेगुलर मंडियों में पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं जाती है, इनके अपने कस्टमर है, और जो काफ़ी जो प्रोड्यूस है जब रेगुलर मार्केट से उठता है तो उसका उदाहरण है कि लास्ट ईयर भी पास करके आने के बाद चेरी के रेट में लगभग 100 से 150 रुपये का इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।